अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ नसई। तो भाई, मैंने जाना है भाभी की सिस्टर के निकाह पे। कल है ढोलकी और 2 दिनों बाद है निकाह। तो मैं करने लगी हूँ अपना फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, और मैंने करने हैं बाल डाई। तो मैं कौन सा हेयर कलर लाई हूँ और मैंने कौन सा फेशियल यूज़ करना है और मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर का मेथड क्या है, तो वो अभी आप लोगों ने देखना है। तो चले, मैं आप लोगों को पहले चीज़ें दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो भाई ये सारा सामान मैंने रख दिया है जो मैंने अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करना है, फेशियल करना है, उसके लिए स्पंज रखा है पानी में। और ये शैम्पू है सनसिल्क का, गुलाब की पत्तियां हैं, लीमू है, नमक है, बेकिंग सोडा है, और ये है ब्लैक मास्क, वाइप्स रखे हैं, ओलिविया का हेयर कलर रखा है, 8 नंबर मैंने लिया बरगंडी, हाइड्रोजन वगैरह। दो तरह के फेशियल लैम्प, डर्माकोस का, गॉर्जियस ब्यूटी वालों का, और ये स्किन पॉलिश का सामान है सारा। तो भाई ये चीज़ें आप लोगों ने देख ली हैं। तो सबसे पहले मैं करने लगी हूँ अपना फेशियल। और फेशियल के लिए जो पहला स्टेप आता है क्लिनजिंग का, और क्लिनजिंग मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपना फेस अच्छे से फेस वॉश से वॉश कर लिया है। तो क्लिनजर है ये डर्माकोस का, मैं ऐसे खोल के आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने जब इसका कैप खोलना है, तो यहाँ पे स्पैचुला वगैरह, आपने फिंगर से इसको नहीं निकालना, गीला हाथ ही लगाना इस स्पैचुला से इसको, क्लिनजर को निकालना है, बल्कि पूरा ऑफिशियली आपने इसे नहीं यूज़ करना है कि आपने फिंगर नहीं लगानी अंदर डिब्बी के अंदर, वरना ये ख़राब हो जाएगा। ये देखें, ये अंदर से कुछ इस तरह, और आपको देख के पता चल रहा होगा कि मैंने इसे कितना यूज़ किया है। ठीक है, अभी मैं करती हूँ अपनी क्लेंजिंग, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं सेकंड स्टेप में स्क्रब कौन सा यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा भाई, क्लेंजिंग मैंने कर ली है 2 से 3 मिनट तक अच्छे से, उसके बाद मैंने फेस को वॉश कर लिया। अब जो सेकेंड स्टेप आता है वो है स्क्रबिंग का। तो स्क्रब मैं यूज़ कर रही हूँ ये एपिकोट का, गॉर्जियस ब्यूटी वालों का, क्योंकि मुझे ना डर्माकोस का स्क्रब ही नहीं मिल रहा, तो मैं इसको अब यूज़ करती हूँ। 5 से 6 मिनट तक अच्छे से मैंने कर दी है स्क्रबिंग, और इतना सा मैं स्क्रब ले रही हूँ, बस इनफ है। तो स्क्रबिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है स्किन पॉलिश का, उसमें मैंने यूज़ किया है जो ब्लीच, वो है प्रोफेस की। ठीक है, ब्लीच मैंने ऐड की है। अब इसमें जो तीनों चीज़ें मैंने ऐड की हैं वो क्या है, बूस्टर है, शाइनर है और सूदिंग है, और ये तीनों चीज़ें सॉफ्ट टच की हैं। ब्लीच में इन तीनों चीज़ों को मैंने ऐड किया है, स्किन पॉलिश बन गई है। अब मैं इसे करूँगी अच्छे से मिक्स, और इसे करूँगी अपने फेस पे अप्लाई। मेरा शाइनर ख़त्म हो गया था तो मैंने इधर डाला, आप लोगों को शाइन नज़र आ रही होगी। चलो मैं इसे करती हूँ मिक्स और अप्लाई करके फिर आपको। अच्छा भाई, ब्लीच मैंने कर ली है, और ये है वाइटनिंग पाउडर सॉफ्ट टच वालों का। अगर आपकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, इचिंग करती है ब्लीच आपकी स्किन पे, तो इसे 1/2 टीस्पून आप अपनी ब्लीच में ऐड कर लिया करें, और फिर मिक्स करके फिर स्किन पॉलिश किया करें, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है मसाज का। तो ये गॉर्जियस ब्यूटी वालों का मसाज है। इसके बाद जो स्टेप आएगा वो है मड मास्क का। तो मड मास्क को मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, और इसको ब्लैक मास्क को मैं अपने नोज़ पे अप्लाई करूँगी, ताकि मेरे नोज़ पे जितने भी ब्लैक हेड्स हैं वो निकल जाएँ। ठीक है, तो फेशियल करती हूँ ये कम्प्लीट, तो बाद में मैं आपके साथ अपना मैनीक्योर पेडिक्योर शेयर करती हूँ। मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए मैंने लिया पानी एक टब में, नीम गर्म पानी है। इसमें मैं डालूँगी शैम्पू सनसिल्क का, ये शैम्पू है मेरे पास। इसे मैं डालूंगी 1 चम्मच, बस इतना। ठीक है, उसके अलावा नमक है, नमक 1 चम्मच इसमें जाएगा। लीमू है, इसके हम कटिंग कर लेते हैं। एक लीमू जाएगा इसमें। ठीक है भाई, लीमू चला गया। अब इसमें जाएगा मीठा सोडा, ये 10-10 रुपये के पैकेट आते हैं, ये पैकेट मैंने 2 मंगवाए थे। इसमें डालूंगी मीठा सोडा 1 चम्मच। बस इतना, 1 चम्मच इसमें चला गया मीठा सोडा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ब्लीच डिवेलपर, जो मैंने स्किन पॉलिश अपने फेस की थी फेशियल में, प्रोफेस की ये है, इसका लिक्विड डालूंगी तकरीबन 1 चम्मच, ये भी डल गया इसमें। नेक्स्ट चीज़ इसमें जाएगी हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन को मैं लूँगी ये 1 ढक्कन, वो ये नहीं 1 चम्मच जितना, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा मैनीक्योर पेडिक्योर का रिज़ल्ट अच्छा आता है। ठीक है, और ये है भाई अनमोनियम सोल्यूशन, अनमोनियम
ये भी इसमें जाएगा तकरीबन एक ढक्कन, बस इससे ज़्यादा नहीं डाला, ये बहुत तेज़ होता है। जितनी जितनी क्वांटिटी मैंने डाली है बस इतनी ही डालिएगा, ज़्यादा ना डालिएगा। लास्ट में मैं इसमें डाल दूँगी गुलाब की पत्तियाँ और इसे अच्छे से मैं कर लूँगी मिक्स। अच्छा भाई अच्छे से मिक्स हो गया, मैं इसमें अपने हाथ डिप करूँगी और मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट तक अपने हाथों को अच्छी तरह इसमें डिप रखूँगी ताकि अच्छी तरह मैल कुचैल मैल निकल जाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग, शाम के 4 बज रहे हैं तो मैं ढोलकी पे जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। तो मेकअप का सामान मैंने निकाल लिया भाई, ड्रेस मैंने पहन लिया है, ये वेलवेट का ड्रेस है, ये इसका दुपट्टा, और ये मैंने मेकअप का सामान यूज़ किया है, फेस पाउडर, ब्लश लगाया है और लाइनर लगाया है, लिपस्टिक लगाई है, और मैंने ये यूज़ किया है बीबी फाउंडेशन, और इससे पहले प्राइमर लगाया था क्योंकि ये ज़रूरी होता है बेस से पहले। बस इतना सा मैंने हैवी मेकअप किया, हैवी मेकअप नहीं किया। तो बस अभी निकलते हैं हम, फिर आगे आपको दिखाती हूँ।